देखो भाई लग चुका है ट्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स। आज 19 फरवरी को सबसे मिलेंगे ओपनिंग और साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि आपके साथ करूंगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मल्टी में आपका शुक्रिया के स्टोर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ ओपेरा से, और गाइस अपनी दुकान का भी काम चल ही रहा है, तो हाँ यहाँ पे काम वगैरह करा ही रहे थे। तो जस्ट अभी यार हमारी शॉप के सामने जो भाई रहते हैं, एक मनाज साहब जिसको हम बोलते हैं, तो आज ना वो अपनी बाइक बाहर निकाल रहे हैं Z900। तो भाई हमने सोचा कि उनकी न्यू वाली Z900 चला के देखेंगे भाई इस पर कैसी राइड है, मतलब कैसा आपकी चोती है, कैसी पिकअप वगैरह। हमने Z1000 तो चलाई है, Z900 पुरानी वाली भी चलाई है, बट अब Z900 देखते हैं क्या पिकअप है क्या नहीं, न्यू वर्जन वाला जो लेटेस्ट आया हुआ है। तो गाइस चलो फिर अभी वो बाहर निकालते हैं बाइक वगैरह, इनकी बाइक है, अभी इनको बाहर बुलाएंगे, बाइक निकालेंगे बाहर, देन उसके बाद जाएंगे फिर राइड मारने फटाफट से खतरनाक सी। और उसके बाद आज गाइस आज आपको ना दुकान अंदर से भी दिखाता हूँ और लोकेशन भी सारी दिखाता हूँ ब्लॉग में, जो 19 तारीख को मीटअप होने वाला, सारे लोग आ जाना, ठीक है, जो भी आ सकता है तो प्लीज आ जाना, मीटअप हो आओगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। साहिल भी वहाँ पे होगा, जानू भी हमारे साथ होगा, और भी बड़े बड़े जो भी हैं हमारे यार दोस्त सारे, हम उनको बुलाएंगे सबको, ठीक है, और जिन भी मिलना होगा तो वो मिले। भाई अपनी गाड़ी जा रही है, ठीक है, राघवी को लेने के लिए, राघवी आज शॉप पे आएंगे, उसको भी दिखाएंगे आज शॉप वगैरह, उसको मैंने देखी नहीं क्योंकि काम पे बहुत ज्यादा बिजी थे। तो चलो अभी पहले बाइक लाते हैं, अभी पहले बाइक निकालते हैं, देन उसके बाद फिर मार के आते हैं राइड। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है यार डेली बाहर जाना एंड धूप में चलना फिरना, तो उससे क्या है मेरी जो डार्क स्पॉट हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसी को लेते हैं आज मैं आपके लिए भी एक अच्छे प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और अपने लिए भी। तो ये है डर्माको के ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी रिसेंटली बाय कर रहा हूँ, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ डेली, जिससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, मैंने थोड़े दिन ही यूज़ किया है, बट मैं अब से डेली यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों के भी इसके बारे में आज बताता हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस ये है कोजिक एसिड डेली वेस वॉश, तो जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, ये भी डर्माको का है, सब मतलब प्रोडक्ट के जो है डर्माको के ही हैं। तो ये है भाई सनस्क्रीन एक्वा जेल और ये है सिरप, ठीक है। तो गाइज अभी आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स में बताता हूँ कि कौन कौन क्या क्या काम करता है। और एज वेल एज डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद बूमी। तो गाइस ये फेस वॉश में आते हैं आपको तीन चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि 1% आपको कोजिक एसिड मिल जाता है, दूसरा आपको 1% आपको नायसाइनामाइड मिल जाता है, तीसरा आपको अल्फा आर्बुटेन मिल जाता है। गाइस ये तीनों का मिक्सचर से बना हुआ है, तो जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके रिड्यूस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट हो जाता है, पिगमेंटेशन जो आपके रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो गाइस अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रीमी टाइप में है, मतलब कि ये जेल की तरह नहीं है, तो इसे आराम से इसको फेस पे अप्लाई करना था, तो अभी मैं इसको जाके अप्लाई करता हूँ। तो इसे अपने हाथ पे रख के आपको अपने फेस पे अच्छे से मसाज के टाइप में इसको यूज़ करना है, तो इसके अपने हाथ पे रब करो एंड देन उसके बाद अपने फेस पे पूरा मसाज करो, कम से कम भी कोई 15 से 20 सेकंड तक तो आपको मसाज ही करना अपने फेस पे, जिससे आके ये पूरे फेस पे जो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसे यूज़ करना है, जब आपको लगे कि अच्छे से मसाज हो चुका है देन उसके बाद इसको कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर ही इसको फेस को वॉश कर लें अच्छे से। तो अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आप लोग रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है ये दूसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है हाइड्रोलिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। तो यार ये जल आप तब भी यूज़ करें जब आप धूप में जा रहे हो, तो आपको भी पता है आप इतनी धूप में जाते हो तो भाई धूप में भी ब्लड पार्टिकल मिलते हैं और भी पता चलता है जो केमिकल मिलते हैं जो आपके फेस पे जाके जितना चिपक जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आप कहीं भी बाहर जाते हो तो यूज़ करेंगे। इसमें आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक हाइड्रोलिक एसिड में आपको मिल जाता है, एक विटामिन ई भी आपको मिल जाता है, और गाइस ये फ्रेग्रेंस फ्री है। गाइस तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है कोजिक एसिड का फेस सीरम। आपको फेस वॉश के बाद अप्लाई करना है अपने फेस पे, इस पर आपको 2-3 ड्रॉप्स का यूज़ करनी है। इसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं, एक अल्फा आर्बुटेन मिल जाता है, कोजिक एसिड इसमें मिलता है, और नाइसासिनमाइड इसमें भी मिल जाता है, मतलब दिन और रात को दोनों टाइम यूज़ करनी है। तो अभी मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको ऐसे ओपन करना है, इस बॉक्स में आपको इस पर एक ट्यूब मिली होगी जिसको आपको ड्रॉप की तरह डालना अपने फेस पे, तो ये वो ड्रॉप है इसको आप, तो गाइज इस तरह इसको आप प्रेस करो और ये ड्रॉप भर दिया, तो इसको आप अपने फेस में बस 1-3 बस 3 ड्रॉप लो और ऐसे से रब करो अपने फेस पे। तो ये था तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है कोजिक एसिड फेस सीरम।
तो बस ये तीनों प्रोडक्ट आपको बाय करने के लिए लिंक दे दिए गए हैं। आप लोग कहीं पे भी जाके जैसे नाइका फ्लिपकार्ट वहाँ पे भी आप लोग अमेजोन पे आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड भी जरूर यूज़ करना जिससे आपको अच्छा खासा ऑफ मिलेगा। तो गाइस ये तीनों प्रोडक्ट बाय करने का कोई लिंक दिए हुए हैं, आप लोग कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। सो गाइस अभी क्या होने वाला है कि दुकान की ओपनिंग हो रही है वहाँ, मतलब काम शाम चल रहा है, तो इतनी देर में भाई चेक करो आगे जी 900 लेके भाई। तो मैंने सोचा ये भाई बाइक वॉश कर रहे थे, मैंने सोचा एक राइड लेते हैं आज, थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। हाँ पहले गर्म कर लेना टायर पे चलाना, क्यों कोई है मेरा कोई बात नहीं आगे से आया मैंने। चलो गाइस गॉड क्या पिकअप है भाई, ये नई वाली जी 900 है भाई। हमने पहले वाली जो चलाई थी वो थी जी 1000, पर वो पुरानी वाली थी भाई, ये तो फ्रेश है भाई। देखो अभी इसका भी भाई क्या पिकअप है, रिएक्शन जो हाय हाय हाय। अभी चेक करो बस ये ट्रक साइड हो थोड़ा सा, हाय 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 देख रहे हो भाई पिकअप। पिकअप और ब्रेकिंग भाई ऑसम है। आय हाय हाय झटका देती है भाई किस्म से, इतनी जोर से भाई मजा ही क्या आता। जो इतनी लंबी राइड मार के ऐसे मन करा कि इसको ले चलूंगा ले लद्दाख वाली साइड और क्या राइड मारूं मजा आ जाए। हाय 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 रिएक्शन देखो लोगों के भाई क्या। अभी तीसरे गियर पे चल रही है, सोचो क्या आप निकल दे रिएक्शन तो भाई एक क्लास आते ना भाई, लोग ऐसे सोचते हैं क्या चीज आ रही। हाय हाय भाई बड़ी बम्प चीज है माँ की सुन गाइस, ये हमारे साथ आजकल वो रेस लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बम चीज है भाई, क्या बैक फायर मार गया देख रहे भाई कसम से मजा आ गया भाई। और मतलब जो ZX स्टैंडर्ड है ना वो थोड़े ना डाउन है तो उसको चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट जो ये फ्री बाइक है जो नेक्ड बाइक जैसे ड्यू ड्राइव सुबह को वो भी बड़ी अच्छी लगती है। भाई बहुत बम्ब है यार, फक भाई क्या चीज है भाई कसम से, हाय सांस फूल जाती है बंदे की जब खींचता है ना बंदा यार। बहुत प्यारी बाइक है, बहुत मजा आता चलाने का, बस ये है कि बहुत रिस्क होता है चलाने का, इसका पिकअप बहुत ज्यादा है। और ऐसे
की बाइकों की ना ब्रेकिंग भी बहुत खतरनाक होती है भाई। हाय 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 हाय, क्या मजा आता है भाई, क्या दौड़ती है यार ये। पहले से भी बड़ी वो Z1000 थोड़ी पुरानी होगी नी, ये नया मॉडल जो है Z900 का भाई तो भाई है, जो पुरानी वाली थोड़ी कम है भाई, ये बड़ी तो भाई है भाई कसम से भाई। मैं इसको थोड़ा सा शिवरिंग हो रही है भाई, उसको चला। ये आ चुका हमारा मतलब यहाँ का बोर्ड वगैरह जो भी, ये देखो भाई मालकिन आ गई, मालकिन आ गई गाइस। तो अभी ये देखो काम चल रहा है भाई, ये अंदर से कुछ शॉप है, मैंने आपको दिखाई नहीं होगी, काम चल रहा है अभी, सामान वगैरह आ चुका है ठीक है। बाकी फिट करना है यहाँ पे, शूज़ वगैरह होंगे यहाँ पे, कपड़े वगैरह होंगे, ये शीशा हो गया, ये साफ सूफ करना भी ठीक है। ये आ गया फर्स्ट फ्लोर, मैं आपको दिखाता हूँ राग भी जहाँ पे, ये देखो गाइस ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर आ गया भाई ठीक है। राग रूग सब कुछ लग चुके हैं यार, ये बड़ी ऊपर लगा रही है। तो चलो गाइस अभी ये करवाते हैं, फिट करवाते हैं, फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, बाकी मालकिन से भी मिलाते हैं। मालकिना आ गई भाई, मालकिना आ गई गाइस, बड़ा पैसा हो गया इसके बाद, बड़ी शॉपिंग शॉपिंग करके आई है। हमारी दुकान से सामान ले जाना, आप बोलते फ्री में नहीं दूंगा, फ्री में किसी को नहीं दूंगा। आओ आपको मालकिन, आपको आपका फ्लोर दिखाएं आपको, चलिए मालकिन, चलिए मालकिन। इधर तो मेरी रील्स बनेगी, इधर रील बनाएगी। ओके ओके चल आओ मालकिन, आपको फ्लोर दिखाएं। चलो मालकिन ये, मालकिन ये आपका ये स्टोर, मालकिन अभी आपको ये सारी सफाई करनी है तभी मालकिन आपका ये स्टोर बनेगा। ऊपर अगर किसी ने सामान लेना होगा तो कैसे पहुंचेगी वो सीढ़ी? ये सीढ़ी किसी की है तो आपको बुला लूंगी ठीक है जी। तो ये आ गया भाई यहाँ पे रागवी के, मतलब जो भी रागवी देखेगी भाई कपड़े वगैरह जो भी लड़के वगैरह ठीक है, आ गई है। यहाँ पे कोरोना किसको है, क्यों उस पे कोरोना क्यों लिखा है, किस पे लिखा है, कहाँ लिखा ठीक है ना। तो चलो गाइस अभी वो लगाते हैं अपना बैनर वगैरह, फिर आपको मिलते हैं ठीक है। देखो भाई बैनर लग चुका है, सेट एंड अविनाश ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ, ये देखो भाई ये रही शॉप, ये बैठी है मालकिन। तो अभी बाकी ये भी लग रहे हैं साइड साइड पे, तो जैसे ही पूरा रेडी होता है और मैं बताता हूँ। बाकी मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लगा हूँ, तो मीटअप के लिए तैयार रहना 19 फरवरी को। ये देखो भाई लग चुका है ट्रेंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये देखो ऊपर भी लग चुका है, ऊपर हमने लाइट लगाई नहीं है पर ये ऐसे ऑटोमेटिक इसमें लाइट आ गई ठीक है भाई। तो ये लग चुका है, इनको पूछो इन्होंने बनाया, डिजाइनिंग है भाई वो। तो चलो जी ये हो गया तैयार से सब कुछ, तो अभी भाई हमने अंदर कपड़े कपड़े लगाने, सेट शूट करना बहुत कुछ, तो वो करेंगे हम पूरी रात लगेगी भाई उसको सेट शूट करते। चलो गाइस आज का अपने व्लॉग देख ही लिया, ये चीज तो देखी ना हमने, ये भी है गाइस, ये बाहर ऐसे साइड पे रहेगा जिसको बच्चे हो गए, मैंने इतने अच्छे-अच्छे फोटो दिए, फोटो देना लगाया इन्होंने। तो गाइस ये इसलिए है क्योंकि आपको सेंटर में हम लगाएंगे ना फोटो, आपको दूर से दिख जाएगा कि भाई ये अविनाश की दुकान है, यहाँ से शॉपिंग करनी है, ये हम ही है भाई ठीक है। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आ जाना 19 फरवरी को, सबसे मिलेंगे ओपनिंग साथ मिलके करेंगे, क्योंकि आपके साथ करूंगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सारे जन लोग आना जितने भी हो सके, कोशिश करो आने की ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जय भारत।